मेहमान जो है ना माशाल्लाह आ चुके हैं, तो हमने नहीं दे रहा अच्छी मेहमानी कर रहा है। आपने नहीं खाया? बहुत हम नहीं खाते, हम बिस्कुट या ये कुछ कहे बिल्कुल नहीं, नहीं वो देखो जानते हैं नक्शे देख के मामू ने पहचान लिया। काम पे छुट्टी है, आज तो मिस्त्री बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुल रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। क्या कहाँ है वो खड़ा है, वो देखें तना के ऊपर। और यहाँ पर जो है मैंने किचन की सफाई वगैरह सारी की सारी ओके कर ली है, बर्तन वगैरह भी मैंने धुलाई कर ली है, और बाकी का काम का सारा जो है ना मैंने मुकम्मल कर लिया है। और एक कमरे में झाड़ू जो है ना वो लगा लिया है, एक कमरे का झाड़ू जो है ना अभी तक नहीं लगा, तो फिर वो भी लगाने वाला है। तो अभी चल के दूसरे कमरे में सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना काम जो है ना मेरा ओके हो जाएगा। मेहमान जो है ना हमारे घर आ चुके हैं, और हमने ये देखे इनके काम चेक करे, ये बिस्किट तो सारे जो है ना चिम्मा चांदे की अब भत्ती बना के खाओ। मेहमान जो है ना माशाल्लाह आ चुके हैं, तो हमने पहले भी मिले थे, लेकिन मैंने कहा आप जो है ना बहन भाइयों के सामने दोबारा मिल लो, वीडियो में मिल लो। ये है मेरा प्याला, ये है पेर्च। तो चाय वगैरह जो है हमने आपने खाना है बिल्कुल खाओ, इब्राहिम को दे दो, खाओ 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 मिठाई आ गया, आपका बेटा आ गया, उसको मिठाई चलो चाय जी इधर रख देते हैं, बिस्कुट गिल्ले हो गए। मैंने आपको कहा था ना अकरम खान जो है ना अकरम खान बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करता है। मेहमान एक आया है, मैं भी आया हूँ, और चाय दी है हमको इन्होंने, और बिस्कुट लेके आ रही थी जो है ना इसकी घर वाली, इसने उठा लिए खुद खाने बैठ गया। हमें बहुत शौक था बिस्कुट खाने का, हमें नहीं दे रहा अच्छी मेहमानी कर रहा है। आपने नहीं खाए सीधी बात करना, खाया है कैमरे में तो नहीं खाया ना, देखो कैमरे में नहीं खाया था, अभी हमारे जो बहन भाई हैं देख ले हम खा रहे हैं क्या, ये नीचे बैठ के सुकून से खा रहा है, चाह भी गीले कर लिए सब बिस्कुट उठा लो, इधर से इधर से देखे ये सूखे हैं, नहीं नहीं ये खाने के काबिल नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत हम नहीं खाते, हम बिस्कुट या ये कुछ कहे बिल्कुल नहीं, नहीं वो देखो गिलाओ यहाँ पर। चलो जी आप जो है ना इसका ना मोट नहीं है, वैसे हाँ। इन्होंने पहले चार पांच उठा लिया ना, चार पांच ये गाली का समझे दो तीन था दो हाँ तीन क्या ना ये ना दो दो थे, मैंने देखे थे हाथ में उन्होंने उठाए, उसके आगे प्लेट थी ना सारी उठा लेता है दो ये तो है आप उठा लेते तो आप नहीं, मामू ने कहा ऐसा ऐसा एक एक करके खाता जाऊंगा, आपने तो जल्दी से चाय गिरा दी भत्ती बना दी ताकि मामू ना उठाए। यही सही बात है। चले जी अभी मेहमानों को हमने मिल लिया, और माशाल्लाह चाय वगैरह मेहमानों से पूछा है कि खाना खाए, उन्होंने कहा नहीं खाना नहीं खाना बस चाय पिला दे, तो मैंने चाय के शौकीन है। हाँ तो चाय जो है ना मैंने हमने बनाई है, और बच्चे भी चाय पी रहे हैं, बिस्किट वगैरह भी साथ थे, और हमारी सिस्टर भी चाय पी रही है। तो अभी आपने पीनी है चाय, ये आपके आप तो छोटी है बड़ी है सिस्टर, ये मुझसे छोटी है, आपस में सिस्टर को पता नहीं है छोटी बड़ी कौन है, नहीं नहीं ये मुझसे छोटी है, मैं नहीं, नहीं वो सिस्टर तो होती है लेकिन मेल मिलाप कम होता है। हाँ। मैं भी इन्हें जानता हूँ छोटी सी थी, इनकी शादी हो गई ना इधर आए, जहाँ शादी हो गई फिर हमारा आना जाना नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, जानते तो हम भी हैं, हम एक साथ खेलते थे, बशीर बशीर अहमद इसके बाप का नाम है, जन्नू बीबी जो थी इसकी वालदा थी, ये उनकी बेटी है, जानते हैं नक्शे देख के मामू ने पहचान लिया, शुक्र है।
नहीं ये पहचान लेता है, बहुत चलाक बंदा है। नहीं नहीं हम भी जानते हैं, बचपन से एक साथ हमने खेला है, लेकिन जब इसकी अम्मी फौत हुई तो फिर ये अपनी खाला जान वालों के घर आ गई थी, तो फिर पल्ली बड़ी भी वही है और शादी भी वही है। इसकी इसने जो सवाल किया वो बिल्कुल गलत था, रिश्तेदारी होते हैं सब कुछ होता है, तू पैदा हुआ है सब रिश्तेदार वो नाम बता देगा ये क्या लगता है ये क्या लगता है। रिश्तेदारी पहचान से होती है, पूछना पड़ता है बच्चे को, बताना पड़ता है। हम भी कभी बच्चे थे छोटे, मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकते हो जो पूछो? अच्छा आप बताएं, मैं रिश्ते में आपकी क्या लगती है, चल ये भी बता दे, याद है तो बता दे। बता दूंगा, ये कौन सी बात है? सही सही बताना, देखते हैं। बड़ों पूछेंगे, बड़ों से जाकर जो ये रिश्ता बताएगा बड़ों से पूछेंगे। ये बनता ये तो पता है कि रिश्ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा रिश्ता क्या है। हाँ रिश्ता क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं आप बताएं, कैसे बताओ? आपको पता है ना, आप बताएं। मैं बता सकता हूँ, जो मेरा नाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, मुझे नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। वालेकुम अस्सलाम, कप उठाने वाला कोई नहीं था, ये उठा के कहीं रख। नहीं नहीं ये मुझे भाई पहले से थके हुए, कप उठा उठा के लगता है कहीं। पता क्या है भाई, जिम करने गए थे क्या? ये लेके गया था उधर पिक्चर वगैरह, वापस मेरे पास आया है, कहता है कि मैं रात का ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं हो। फिर मैंने उनके बेटे का पूछा कि काम किया, उसने कहा नहीं किया, काम की छुट्टी है। काम आज तो मिस्त्री भी नहीं आए। मैं अभी उधर से होके आ रहा हूँ, आपने कहा था मैं उधर ही जा रहा हूँ, वहाँ से होके आ रहा हूँ, नंबरदार से बैठा बैठा ख्याल रख रहा है, मुंशी गया रोटी खाने, तो मुंशी कह के गया उसको ख्याल रखो, मैं रोटी खा दूँगा। उधर से मैं आ रहा हूँ इधर, इधर आवाज़ आपके है, मैंने कहा इधर ही बैठे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने चाय देखी हो। हाँ नहीं चाचू को पता भी नहीं था चाय बन रही है कि नहीं, ना चाचू की फेयर बार बार ना करो, मुझे पता है सारा। नहीं नहीं था पता, सही बोल रही, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, पता नहीं था। उन लोग जो चाय यहाँ बन रही है वैसे आए हैं, ये मान लेते हैं। एक बात मान लेते हैं कि हम चाय चाय भी कर रहे थे, बिस्कुट गीले हो गए, ये वो तूने आवाज सुन के मुझे गिले ले आओ, हाँ ले आओ चाय ले। दरअसल ये बात है। अच्छा आपको किसने बताया अभी तक चाय बनी हुई है? चाय के लिए बनी है। अच्छा नहीं वो गेट खुला हुआ है ना, कप देख लिया होगा यार। नहीं कप कप देखा है, मेरी गलती हो गई यार, मैं माजरत करता हूँ। मैं उधर से मैंने नहीं देखा, हाँ, से मैंने नहीं देखा, मैं अंदर आके देखा, उधर से नहीं देखा। ये जब कहते हैं कि गेट यार बड़ा तजर्बेकार इंसान है, वैसे तुम्हें मुखलिस ऐसे नहीं कहते, तजर्बा भी है आपको, खाने पीने का पता कैसे चलता है ये। नहीं इसके नाक नहीं लगी, मैं सोचता था कि क्यों बोल रहे हैं, असला इसका नाम है मुखलिस। नहीं गुड़ नहीं है, नहीं नहीं आपकी बहुत ज्यादा खाते है ना, वो अपना क्या कहते हैं नसीब में होता है खाते पीते, हमारी रोटी थोड़ी खा जाते हैं, हमारी जरूरत है किसी को खिलाना, बिल्कुल ये अल्लाह पाक दे रहा है खा रहे हैं। नहीं तो ये 5 मिनट लेट भी आ सकते हैं। मैं ऐसे गुजर रहा था, पता आने आया कैसे, कैसे यहाँ पे आया, उधर से गुजर रहा था, अमन भाभी की आवाज आई, इसीलिए मैं चलो गपशप लगा लो। असल बात ये है, आगे आए तो बाद में गप तो साथ लाए नहीं लगाएगा क्या, थोड़ी सी गप ले आते लगा देते, गपशप खत्म हो गई उधर। ये उठा के ले आई, ये तोड़ी वाली है, ये तोड़ी वाली है, ये छेल दे। चलो जी ओके हो गया, माशाल्लाह काफी जो है बातचीत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी ये बातचीत अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर देना। भाई ने चाय पीनी है तो मैं खा सकता, मैं दे सकता हूं। मैंने तो नहीं कहा, मैंने सारे बिस्कुट खा गया, चाय पी गया, मैंने किसी को नहीं कहा कि पीनी है। शायद आपको ज्यादा भूख लगी हुई थी। भूख नहीं लगी हुई थी, वैसे वो कहती है आप सलाह सुलाह करते हो फिर हमें देते नहीं हो, बुलाते नहीं हो, इस वजह से मैंने कहा कि आप तो मामू के डर से जल्दी जल्दी खा गए। आपने सारी मेरी साल्ट करवा दी, हालांकि आपने बिस्कुट खाए हैं मेरे मुझसे भी पहले, वो आपने उठाए हैं फिर भी आपने मेरी साल्ट कर दी। ना तूने बोला है ना बहन भाई आओ, हम बुला रहे हैं ताहे दिल से,
जो देखने वाले वो आए अकरम के घर, हमारे घर, हमारे साथ खाना खाएं, चाय पिएं, बिस्कुट खाएं, हम खिलाने के लिए तैयार हैं। मेरे एक वीडियो पे आया था, लिखा था कमेंट, भाई आप जो हर जगह जो भी खाते हो पीते हो, फिर हमें मैन मई को सलाह करते हो, हमारे साथ कोई आया भी है तो उसका जवाब मैंने लिखा था, कोई भी नहीं आया। नहीं ये मुझे भी आया था ना मैसेज कि आप न्यू किचन में बैठ के जो है खाना खाते हो, फिर कहते हो जिसने खाना है आ जाए, कभी रियल में खिलाओ ना। मैंने कहा आपको बुलाते हैं आओ ना, फिर रियल में खिला देते हैं, ये कौन सी बात है। मतलब भी यही होता गुलामा ने, कभी आए इधर खाएं, आपको खाना ना मिले, चाय ना मिले, जो आपको खाने पीने की चीजें ना मिले तो फिर बात है। यहाँ जो आएगा वो तो और बात है, यहाँ जो आएगा जो चाहेगा वो खिलाएंगे। बड़ी मेहरबानी जी, चाय चाय खिलाई आपने। बैठो, ये तो पीने वाले हैं, खाना बनाते हैं फिर। नहीं ये सलाम ना, कहीं जा रहे हैं, टाइम थोड़ा है, कानपुर जा रहे हैं। कानपुर क्या करना है, वैसे उठेंगे। अच्छा अच्छा, हमारी दियारी बांध रही थी, लेकिन यह है कि मेहमान आ गए। दूसरी बात यह है कि मेरी फैमिली बाइक पे नहीं जा सकती, गाड़ी पे बूम 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 रोला ये बन गया, गाड़ी पे जाएंगे, ये तो गाड़ी पे जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, जैसे आपने देखा आयमन खलील व्लॉग वाले आए हुए थे, तो मैंने जो है ना उनके साथ गपशप लगाई, और सब जो है ना मुखलिस भाई भी आ गए थे, फिर आपके भाई भी थे और चाचू जान भी थे मेरे, तो सब मिलकर अच्छी खासी गपशप लगाई। उसके बाद जो है ना आपके भाई बच्चों को लेकर चले गए हैं पार्क, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़िद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग गए थे घूमने तो हम नहीं गए थे, मुस्फिरा और वसीम ने। तो फिर आपके भाई ने कहा चलें आज संडे है, आज मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पर, घुमाता फिराता हूँ, फिर वापस आ जाएंगे। तो वो चले गए हैं वहीं, तो मैंने कहा वापसी पर जो है ना आप सब्ज़ी वगैरह लेते आना और जो है ना बना लेंगे, फिर उनका जो है ना इंतज़ार करते हैं कि कितनी देर तक वो वापस आते हैं। जब आ जाएंगे तो फिर जो है ना जो चीज़ लेकर आएंगे तो फिर शाम की रेसिपी वगैरह जो है वो बनाऊंगी, जैसे बाकी का घर का काम का सफाई वगैरह वो मैंने की है, तो वो दूसरे व्लॉग में वो आपने देख लिया होगा अकरम खान व्लॉग्स पर। तो अभी मेहमानों को मैंने चाय वगैरह पिलाई थी, तो सारे के सारे बर्तन वगैरह जो थे ना वो रखे थे यहीं पर, मैंने रखे थे, लगता है वो मोसफिरा ने धो लिए हैं। मैंने कहा कि चल के यहाँ पर रखे हैं बर्तन तो उनको जाके मैं धो लूँ, तो जहाँ आई वापस तो बर्तन नहीं थे। मेरे ख्याल में वो मोसफिरा जो है ना घूम फिर रही थी, तो शायद उन्होंने धो के फिर रख दिए बर्तन। तो ये काम भी हो गया है, तो फिर इंतज़ार करती हूँ उनका, वो जैसे ही आएंगे तो जो चीज़ लेकर आएंगे तो फिर वो बनाना शुरू कर दूंगी। अभी फिर वक्त जो है ना कुछ नहीं बनाती और इंतज़ार करती हूँ उनका, क्योंकि काम काज जो काफ़ी जितने भी घर के थे वो तो मैं करती रही हूँ तो काफ़ी टाइम तक। तो फिर थोड़ी देर फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा कि थोड़ा जो है ना रेस्ट कर लो, तो फिर अभी इंतज़ार करती हूँ उनका, जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर जो है ना खाने पीने का बंदोबस्त शाम का जो है ना वो बाद में जो है बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। माशाल्लाह जी, यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो मैंने कटाई कर ली है, और उसके बाद शॉपर में जो है ना वो सब्ज़ी के छिलके वगैरह जो है ना वो शॉपर में डाल दिए हैं, और चेयर जो है ना ये बच्चों ने ऐसी कर दी है, अभी इसको ना सीधा कर लूँ, क्योंकि आते हैं कोई आके फिर यहाँ पर बैठे रहते हैं, सर्दियाँ हैं ना, फिर सर्दियों की वजह से मैं वहाँ पर चूल्हे पे नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाती रहती हूँ, तो गपशप लगाते रहते हैं, तो यहाँ पर बैठे रहते हैं तो चेयर पर, तो इसको यहाँ पर मैंने सीधी कर दी है। और उसके बाद ये सब्ज़ी रखी है, इसको फ़िलहाल तौर पे यहाँ रख देती हूँ, और ये वाले जो छिलके हैं ना ये ले कर वहाँ रख देती हूँ दीवार के ऊपर, क्योंकि वो मुहैदीन वालों के ना खरगोश हैं तो वो उन्हीं को डालते हैं, तो ये यहाँ रख देती हूँ तो वो ले जाएंगे। और सैन की ऐसी हालत ख़राब हुई पड़ी थी ना काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पर झाड़ू उठाया, फिर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, मुकम्मल जो है सैन पे मैंने झाड़ू ओके कर दिया है, ये देखें बिल्कुल सफाई वाला काम मेरा ओके हो चुका है। और उसके बाद जो है ना
जैसे कि आपने देखा है सब्जी जो है मैंने वहां पर काट के रख दी है। मुस्फिरा ये बैठने की जगह पर छोड़ देना, थोड़ा साइड पे रख देना। लाइट आ गई है क्या? तो आप ऐसे सीधी क्यों कर रहे हो? हाँ आ गई है, खड़ी है लाइट। वो ना आपने मुस्फिरा जो है ना वो शायद वही चेयर जो है ना ऐसे करके रखा था उन्होंने कि वो जो है ना अपने स्कूल वाले जो यूनिफॉर्म है वगैरह है ना तो उसको इस्त्री कर ले रही थी, तो फिर दोबारा से मैंने इकट्ठी कर दी, फिर दोबारा जो है वैसे कर रही थी। तो मैंने कहा कि आप जो है ना लाइट है कि नहीं है, तो फिर लाइट जो है ना वो आई हुई है, तो अभी वो कपड़े प्रेस करने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर देखें दोबारा से ऐसे लगा दिया है, और ये थ्री स्विच भी आ गया है, वहाँ पर लगाएगी और कपड़े प्रेस जो है यहाँ टेबल पे करेगी। तो यहाँ पर मेरा चूल्हा रखा है और बाल्टी जो है ना मैंने यहाँ ऊपर रख दी थी धो के, अभी इसको उठाती हूँ। ये छोटे वाली बाल्टियाँ जो है ना ये भी इसके अंदर मैंने डाल के रख दी थी, और अभी जो है ना पानी भरती हूँ और जो है ना रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना काफ़ी हो चुका है। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था आपके भाई जो है ना वो चले गए थे बच्चों को लेके पार्क, फिर वापस आए तो फिर उन्होंने कहा कि आते हुए सब्जी उनको भूल गई थी, फिर वो लेकर नहीं आए थे। तो मैंने कहा कि आज जो है ना क्या बनाए आप, कुछ लेकर नहीं आए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ना भूल गया था। तो फिर दोबारा गए, फिर वो जो है ना आलू और मटर लेकर आए, तो वही मैंने अभी अभी काटे हैं। तो मैंने कहा अभी उसको बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि जैसे ही शाम होती है ना तो लाइट जो है ना आती जाती रहती है। तो अभी यहाँ पर देखें पहले नहीं थी, फिर दोबारा अब जो है ना आई हुई है लाइट यहाँ पर। तो अभी सामान वगैरह जो है ना सारे का सारा मैंने यहाँ पर इकट्ठा करना है। पानी सबसे पहले मैंने यहाँ रख दिया है, और सब्जी काटी हुई मेरी ये रखी है, और उसके बाद जो है ना नमक मिर्ची ये डब्बे वगैरह जो है ना ये उठा के नीचे रखती हूँ, ये वाले, और उसके बाद जो है ना फिर बैठ जाऊंगी मैं। और इन दो डब्बियों का पता नहीं है कि नमक किस डब्बे में है, चलो फिलहाल तो ये रख ही दिया है मैंने। तो ये आग जलाने वाला आ गया, अभी जो है ना स्विच लगा लूं, क्योंकि मुस्फिरा ने कहा है कि मुझे ना स्विच लगा के दें, वो स्विच जो है ना लगाती नहीं है, डरती है बेचारी। तो स्विच लगा दूं, फिर वो जो है ना अपने काम शुरू करेगी, कपड़े प्रेस वगैरह करेगी ना। ये वाला बटन है इसका, ऑन हो गया अभी, इस्त्री भी उसके अंदर लाइट आ चुकी है, ये उसकी बत्ती जो है ना ये देखिए ये बल रही है। तो अभी सामान मेरा यहाँ रखा हुआ है, तो शुरू करती हूँ, यहाँ पर बैठती हूँ। और मेरी बैठने वाली यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ रखी है, वो रखी है छुपा कर उसको रख दिया। मैंने छुपा कर रखा है, तो सामने रखी है, सामने नहीं, आगे आप खड़े थे तो मुझे नजर नहीं आई, तो आगे खड़ा था ना ये, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं छुपा कर खड़ा हूँ। मैंने कहा कि ये इनको जो है ना थोड़ी देर परेशान करूँ, ये ढूंढती रह जाए, ढूंढती रह जाए, मैंने इसको देखा ही नहीं है। अच्छा जी, वैसे ये सही नहीं थी, ये टूट गई है, ये तो सही है ना, ये सही है, ये भी आपका वजन नहीं उठाएगी, कुछ दिन के बाद ये भी टूटी पड़ी होगी। इतना मोटी हो गई हूँ क्या मैं? यार आपसे कम हूँ, अपने आप को देखा है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो ऐसे बस आपके भाई जो है ना मुझे ना ये बातें ऐसे करते रहते हैं कि नादिया को ना गुस्सा आ जाए, लेकिन मैं भी इनकी आदत को अब पहचान गई हूँ। अभी यहाँ पर सिलेंडर भी मैंने खोल दिया। किचन की छत देखने जा रहे हो? यार मैंने कहा था कि आप वो जो किचन की छत देख ले, कि वो ऐसा है कि दराड़े तो नहीं हुई पड़ी, तो आपने देखा नहीं है। ये देखो दराड़े हुई है, आपने जो लिपाई किया है, ये मैंने किया है ना, ये आपने किया है तो उसको नहीं होगी, वो मिस्त्री ने किया है, चाहे मिस्त्री भाई ने भी किया है लेकिन उसको भी नहीं होगी, क्योंकि तूड़ी काफी ज्यादा थी। इसको तो अभी आप खींच रहे थे, ये तो खींच नहीं, नीचे से उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आ रहा, खींची नहीं है आपसे, बस पर्दा उठाना पड़ेगा और इधर से मैं खींचूंगा।
चले आप जो है ना वहाँ से रस्सी खींचे, यहाँ से मैं पर्दे को ऊपर करो, दोनों को पकड़ के, दोनों को ऊपर चले आप खींचे। हाँ पता ही क्या है, हाँ इसको खोलना पड़ेगा, तो पहले ऐसे खींचो नहीं ना, पहले खोल दो, खोल के फिर खींचो, फिर जहाँ पर ये खींच जाए और रुक जाए ना वहीं पर आप जो है ना बांध देना, फिर सही हो जाएगी। हाँ अब खींच गई है ना, देखना ज्यादा भी ना खींचना कि वो जो आपने लकड़ी वो लगाई हुई है ना वो नीचे ना आ जाए गिर के। अब छोड़ दूं कि नहीं छोड़ू? एक मिनट, मेरे बाजू थक गया। आप छोड़ना, अब सही नहीं हो गया। लेकिन ये इधर खड़ी है ना रस्सी, ये नीचे आ गई तो फिर उधर आ जाएगा। अब थोड़ा ऊपर तो आ गया है ना, अभी देखते हैं चेक करते हैं। अब ये देखें, ये वाली साइड भी ऊपर आ गई और ये वाली साइड भी अब बिल्कुल बंद हो गया ऐसे। हाँ क्योंकि ये नीचे था ना, काफी सारा नीचे था, तो पता ही क्या है असल में जो है ना इधर ना ये दो तीन केल लगाने पड़ेंगे हमें बड़े, तो ये रस्सी ना पकड़ के केल के ऊपर रखनी पड़ेगी ऐसे मुकम्मल। हाँ ये सेंटर वाली जो जगह है ना ये वाली, हाँ ये इधर केल होगा ना, इस रस्सी को ऊपर से ऐसे ऊपर लेके रख देंगे। बड़े वाले केल हो तब ना, अभी तो केल नहीं है बड़े वाले। चले जी अभी चलती हूँ मैं, अभी रेसिपी बनाती हूँ। हाँ तो जी जैसे आपने देखा है कि मसाला जो है ना मेरा भुनाई हो रहा है और वीडियो भी मेरी मुकम्मल हो चुकी है, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है ना आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना है, और मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।